हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सुभाषी। तो चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल हम लोगों ने क्लियरली डिस्कशन किया था, मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है 21,500-550 ये लेवल पे ही आपको शॉर्ट करना है, उससे पहले आपको शॉर्ट नहीं करना है। अगर मार्केट फ्लैट या ऊपर खुलता है, मार्केट साइडवेज टू अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक मार्केट आ सकता है। अगर मार्केट हायर लेवल के आसपास क्लोज करता है तो एक बड़ा मोमेंटम आने वाले टाइम में आपको दिख सकता है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। अगर मॉर्निंग में देखेंगे मार्केट थोड़ा सा फ्लैट खुला, उसके बाद एक कंटीन्यूअसली साइडवेज मार्केट गया, लेकिन साइडवेज मार्केट में भी यहां पे एक बड़ा कैंडल बनाया, उसके बाद ये कंटीन्यूअसली इनसाइड कैंडल बनते गए। अगर आप यहां पे देखेंगे, ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये मोमेंटम इनसाइड कैंडल के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं एप्लीकेशन के अंदर, ये बहुत प्रॉफिटेबल है अगर आप इसको रेगुलरली ट्रेड करोगे। लेट्स से कल आपको मे बी ये ट्रेड ना मिले, लेकिन 3-5 दिन के अंदर आपको एक दो बार जरूर मिलता है और बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल होता है। कितने लोग ट्रेड करते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और हिट द लाइक बटन सो दैट कि नहीं मैं इस तरीके का सेटअप आपको बताते रहूं। तो चलिए देख लेते हैं कल बैंक निफ्टी कहां मोमेंटम कर सकता है, उसके बाद हम लोग फिर निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी कल इंपॉर्टेंट ये हो जाता है ओपन कहां पे होगा। ओपन अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो आपको क्वांटिटी साइज कम कर लेना है, उसके बाद प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करेंगे। जनरली इतना बड़ा मोमेंटम के बाद अगर ये गैप अप खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा आ सकता है। इंपॉर्टेंट ये है 22,000 के लेवल ये कैसे होल्ड करके रख रहा है। अगर लेट्स से मार्केट कल फ्लैट खुलने के बाद नीचे आना शुरू कर देता है, समय अराउंड इसी रेंज के अंदर रह जाएगा। अगर ये प्राइस एक्शन बना के फिर कंटिन्यू करना स्टार्ट किया, जस्ट बिकॉज ये हॉल्ट इसीलिए कर सकता है क्योंकि एक्सपायरी पास आ रहा है, अदरवाइज ये फिर अगर 22,000 के आसपास अगर हॉल्ट किया तो ये कंटिन्यू हो सकता है। मेरे लिए अभी भी साइडवेज टू बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए स्कोप ज्यादा नहीं है। सेलिंग एक जगह पे कर सकते हैं, अगर मार्केट लेट्स से बहुत बड़ा गैप अप खुला वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है थोड़ा, तो वहां पे प्लान कर सकते हो। गैप डाउन खुला तो भी मैं प्लान नहीं करूंगा क्योंकि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, हम लोग वेट करेंगे उसके बाद। अभी साइडवेज टू अपट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, तो आप अगर शॉर्टिंग के लिए बैठे हो, बहुत बड़ा गैप अप खुला तो आप प्लान कर सकते हो। चलिए हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। कल मैंने आपको निफ्टी बताया था 11,200 के नीचे ही आप प्लान कर सकते हो सेल करने के लिए, उसके ऊपर साइडवेज टू अपट्रेंड ही रहने वाला है, इसको आप शॉर्ट मत कर लेना क्योंकि इसी रेंज पे बाइंग हैपनिंग हुआ है, तो जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक सेल नहीं कर सकते। अगर डेली चार्ट देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग पोजिशन में आ चुका है निफ्टी, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है ये पॉइंट पे, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। 11,350 एक ब्रेकआउट लेवल है और उसके ऊपर क्लोजिंग ऑलरेडी दे चुका है, तो ये कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन एक जगह पे इसको प्रॉब्लम होगा, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, अदरवाइज अगर फ्लैट खुलता है तो लग रहा है धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ सस्टेंड करेगा, जो व्यू है अप ट्रेंड है। एक चीज ध्यान में रखो, एक वीक के अंदर कंटिन्यूसली मार्केट नीचे भी आ चुका, हॉल्ट किया, फिर मोमेंटम, इसका मतलब वॉलेटिलिटी बहुत है। ऑलरेडी मार्केट सेलर को एक बड़ा मोमेंटम दे चुका है, इवन बायर्स को भी बड़ा मोमेंटम दे चुका है। आप अगर अभी सोच रहे हो कि नहीं कल सुबह जाके कॉल बाय कर लो और बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, थोड़ा चांसेस कम है क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़े मोमेंटम सेलर के लिए भी हो चुका है, बायर्स के लिए भी हो चुका है। अभी इंपॉर्टेंट ये है, मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो सेलिंग के लिए प्रेशर बन सकता है। लेट्स से कल मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो भी मैं सेल करना पहले प्रीफर नहीं करूंगा, वेट फॉर ए प्राइस एक्शन। बड़ा गैप अप, गैप डाउन, वी विल गोइंग टू वेट फॉर ए प्राइस एक्शन। फ्लैट खुलता है तो आपको कंटिन्यू मोमेंटम हो सकता है। चलिए हम लोग स्टॉक देख लेते हैं, कौन से स्टॉक्स में कल आप ट्रेड कर सकते हो। पहला स्टॉक है सिप्ला। अगर सिप्ला देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम किया, वेट किया, फिर ये प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आ रहा है। 760 के नीचे एक मोमेंटम हो सकता है, इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ये नीचे की तरफ एक मोमेंटम कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है आरईसी। आरईसी अगर देखेंगे 110 के आसपास कंटिन्यूसली वेट कर रहा है, अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो ये एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास कंटिन्यूअसली वेट कर रहा है। अगर ये कल ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है 111 के पास, 111 के ऊपर, तो एक मोमेंटम हो सकता है क्योंकि इसी लेवल पे ये कंटिन्यूअसली होल्ड कर रहा है और एक ब्रेकआउट दे सकता है। हो सकता है गैप अप खुल के ऊपर चला जाए, लेकिन अगर आपको मिलता है तो ये एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे ट्रेड करना है कल मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट स्टॉक है इंडसइंड। कल जैसे ऑयल मैंने आपको दिया था 94 लेवल के आसपास ये होल्ड कर रहा था, सेम ये 500 के लेवल के आसपास हॉल्ट कर रहा है और यहां पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो सकता है, तो एक मोमेंटम यहां पे हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यू करता है तो इंडसइंड बैंक सपोर्ट करेगा, तो ये एक अच्छा साइन है, यहां पे हम लोग कल बाय कर सकते हैं। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो एक अच्छा मोमेंटम इसमें भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है मनप्पुरम। मनप्पुरम देखेंगे यहां से एक बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हुआ और इसी लेवल के आसपास ये हॉल्ट कर रहा है और कंटिन्यूसली अगर देखेंगे मार्केट नीचे भी नहीं आ रहा है, ये हॉल्ट कर रहा है 156 के ऊपर, और एक मोमेंटम हो सकता है, यहां पे एक बुलिश साइन दिख रहा है, तो ये कंटिन्यू कर सकता है।
160 तक भी ये जा सकता है आने वाले टाइम में, तो इसको भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एशियन पेंट जब मैंने आपको ब्रेकआउट वाला सीरीज बताया था तब मैंने आपको इसको बताया था ये कंटिन्यूसली हायर लेवल पे हॉल्ट कर रहा है, जो हम लोग का की पॉइंट था उसके ऊपर ये क्लोजिंग दिया और एक मोमेंटम हुआ। कितने लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं या फिर ट्रेड किए होंगे डू लेट मी नो, तो क्योंकि ये लास्ट वीक ही मैंने आपको बताया था ये एक वॉचआउट स्टॉक है, ये हायर लेवल पे हॉल्ट कर रहा है, एक ब्रेकआउट दे सकता है, इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ऑलरेडी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका है। देखिए ट्रेडर बनने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, लेट आप जो प्लान किए हो मार्केट के ऊपर वो साइन पहले मार्केट में देखने दो। जैसे ये 320 के आसपास कल अगर आप बाई किए होते आज आपको प्रॉफिट मिल चुका होता, सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस ऑलरेडी 1:2 मिल चुका है, लेकिन जो रेंज है वो अभी भी और ऊपर जा सकता है। आने वाले टाइम में मे बी ये स्विंग थोड़ा सा हॉल्ट करके फिर कंटिन्यू कर पाए। आई होप आप ये सारी चीजें समझ रहे हो, समझ रहे तो डेफिनेटली को लाइक एंड शेयर करना। फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।